डियर स्टूडेंट, आज प्रकाश का ध्रुवण पर आधारित ये आंकिक प्रश्न है और इसमें कुछ प्रश्न हम यहाँ पर लिखे हैं। तो जैसे ये देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न संख्या एक, क्षितिज से ऊपर सूर्य किस कोण पर हो जिससे कि शांत जल जल का पूर्णांक दिया हुआ है एन बराबर 1.327। ठीक है, के तल से परावर्तित सूर्य का प्रकाश ध्रुवित हो जाए। यहाँ दिया हुआ है टेन 53 अंश का मान जो है 1.327 दिया हुआ है। ठीक है, आइए देखिए इसमें क्या पूछ रहा है। क्षितिज मतलब यहाँ क्षैतिज तल से ये पूछ रहा है। तो जैसे यहाँ पर एक कोई जल है यहाँ पर, और जल का जो क्षैतिज तल होता है वो हम ये लोग मानते हैं, ये क्षैतिज तल है यहाँ पे। तो यहाँ क्षितिज से ऊपर सूर्य किस कोण पर, ये पूछ रहा है। सूर्य जैसे यहाँ से आ रहा है, सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो सूर्य के प्रकाश को कैसे डिनोट करेंगे यहाँ पर, ये अधूर्वित प्रकाश आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अधूर्वित प्रकाश, ये इसका संकेत इसी तरह से है, ये अधूर्वित प्रकाश है। और यहाँ पर एक तल है और इस तल पर एक व्यक्ति खड़ा है, इसे जो लाइट आ रही है ये बिल्कुल ध्रुवित दिखाई दे रही है, तो ध्रुवित प्रकाश जो है इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो ये हो गया ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश, जिसको हम लोग डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश। तो समतल ध्रुवित हो जाए किस कोण पर क्षितिज से, यहाँ से, तो यहाँ पे हमको जो ज्ञात करना है वो कोण थीटा ज्ञात करना है। अगर इसको हम मान लेते हैं ये कोण थीटा है, तो यही कोण आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है, परावर्तन के नियम का पालन होगा यहाँ पर। तो अगर ये ध्रुवित प्रकाश जो है ये ध्रुवित हो जाता है, तो यहाँ पर इसको अगर हम आईपी लिखें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, आईपी हो जाएगा। कैसे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये परावर्तन के नियम में आपको बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नियम लगेगा, तो ध्रुवित, तो यहाँ बूस्टर का नियम लगा देंगे। तो बूस्टर के नियम से एन बराबर एक फार्मूला है टेन आई पी होता है, या टेन आई पी बराबर क्या लिख सकते हैं, टेन आई पी बराबर यन लिख सकते हैं। यन किसका पूर्णांक है, यन जो है जल का पूर्णांक दिया हुआ है। तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर जल लिखा है, तो जल का पूर्णांक वायु के रिलेटिव निकाला गया है, जल के सापेक्ष, यानी वायु के सापेक्ष। अगर जैसे जल दे दिया है, कांच दे दिया है, या ग्लिसरीन दे दिया है, कोई भी विलयन है या कोई भी, जैसे, तो उसका अगर आप पूर्णांक इसमें लिखते हैं ये, तो उसको हम वायु के रिलेटिव मानेंगे। तो जैसे इस n को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो n का मान दिया हुआ है 1.327, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ANG इजकल टू 1.327, वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक है, सॉरी यहाँ पर जल होगा, तो जल के लिए हम लिखेंगे W। ठीक है, तो यहाँ पर वायु के सापेक्ष जल का पूर्णांक 1.327 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ANG आप लिख सकते हैं, ANW लिख सकते हैं। तो ANW का मान दिया हुआ है टेन आई पी इजकल टू, यहाँ पर कितना दिया है, 1.327। अब यहाँ पर इसका मान जो है ये दे रहा है, ध्यान दीजिए इधर, तो यहाँ पर 1.327 का जो मान है वो दिया हुआ है कितना, टेन आई पी इजकल टू 10.53 अंश दिया हुआ है। तो हम कोण की तुलना कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 53 अंश, ये आ गया आंसर। तो 53 अंश हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आपको ध्रुवण कोण ज्ञात करना हो तो कितने अंश पर, ये पूछ रहा, सूर्य का प्रकाश ध्रुवित हो तो ध्रुवण कोण भी पूछ रहा है। तो ध्रुवण कोण आईपी पूछ रहा है, और यहाँ पर हमने ज्ञात किया है, हाँ, आई पी की वैल्यू ज्ञात कर लिया गया। आई पी, यहाँ पर जो आई पी का मान आया वो कितना आ गया, आई पी का मान 53 अंश। लेकिन ये हमको ज्ञात क्या करना था, ये थीटा ज्ञात करना था।
अब यहाँ आप देख रहे हैं ये नॉर्मल है, अभिलंब है, और अभिलंब और इसके बीच का कोण के दोनों का कोणों का योग कितना हो जाएगा, आईपी बराबर 90 अंश हो जाएगा। तो थीटा प्लस 53 अंश दिया हुआ है बराबर 90 यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 53, तो आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और 37 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो ये थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 37 अंश। तो ध्रुवण कोण का मान यहाँ पर आया 53 अंश, और यहाँ पर जो ये कोण पूछ रहे हैं उसकी वैल्यू आ गई 37 अंश। अगर सूर्य का प्रकाश 37 अंश पर आपतित होता है तो इससे जो लाइट जो यहाँ से निकलेगी वो समतल ध्रुवित होगा। तो प्रश्न संख्या 2 देखिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है, आइए देखिए। यहाँ पर एक पोलराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश पोलराइड की ध्रुवण दिशा से 30 अंश के कोण पर गिरता है, तो पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता का कितने प्रतिशत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपको बताया गया है जो पोलराइड होता है, एक पोलराइड पर जो समतल ध्रुवित प्रकाश आ रहा है वो समतल ध्रुवित प्रकाश जैसे यहाँ पर बनाया जाता है, तो एक पोलराइड यहाँ जैसे यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर पोलराइड या टूरमैलिन का जो क्रिस्टल होता है, टूरमैलिन का क्रिस्टल ही मान लीजिए चाहे, तो टूरमैलिन का जो क्रिस्टल होता है कुछ इस तरह से होता है। अब इस पे जो लाइट आ रही है वो समतल ध्रुवित होती है, तो समतल ध्रुवित प्रकाश इसमें आ रहा है, समतल ध्रुवित प्रकाश पोलराइड की ध्रुवण दिशा से, तो ध्रुवण दिशा से यानी कि यहाँ पर जो लाइट आ रही है अर्थात यहाँ पर एक पोलराइड और रखा हुआ है, तो इससे जो लाइट आ रही है वो समतल ध्रुवित है, इससे जो लाइट आ रही है वो समतल ध्रुवित है ये बता रहा है, तो इसकी तीव्रता हम आई नॉट मान लेते हैं। और इससे निर्गत प्रकाश, अब इसको रोटेट करा दिया, अगर इसको क्षैतिज से अगर मान लें यहाँ पर ऊर्ध्वाधर से इसको कितने अंश पर झुका दे रहे हैं, 30 अंश के कोण पर इसको झुका दिया जा रहा है, 30 अंश के कोण पर झुका दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो आई होगा मतलब यहाँ निकलने वाला जो प्रकाश होगा वो आई की वैल्यू क्या होगी, तो थीटा का मान दिया हुआ है, थीटा का मान कितना अंश है, 30 अंश पर ये घुमा दे रहे हैं, तो घुमाने पर ये निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होगी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला है ये जो है मैलस का नियम है। तो मैलस का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रकाश की तीव्रता निकालने के लिए जो है, तो इस तरह से आंकिक प्रश्न पूछा जाता है, इसका आप ध्यान देंगे यहाँ पर, तो आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए थीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो थीटा का मान दिया हुआ है कॉस 30 अंश रखेंगे यहाँ पर, और कॉस 30 का मान कितना होगा, कॉस 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2, तो इसका जब वर्ग करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, तो आई इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आई नॉट और गुणे 3/4 हो जाएगा यहाँ पर। ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत, आंसर तो आ गया, आपतित प्रकाश की तीव्रता इतनी हो जाएगी, पहले तीव्रता का 3/4 भाग हो जाएगा अगर इसको हम 30 अंश के कोण पर झुका देते हैं, जो हमारा दूसरा जो है पोलराइड है इसको अगर हम ऊर्ध्वाधर से 30 अंश के कोण पर घुमा देते हैं तो जो तीव्रता आ रही थी लाइट की वो पहले की तीव्रता का 3/4 हो जाएगा, इससे जो निकलेगी लाइट। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, आपतित प्रकाश की तीव्रता कितने प्रतिशत हो जाएगी, प्रतिशत पूछ रहा है। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो जैसे हम लोग प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो अंक में अगर प्रतिशत निकालना होता है, जैसे जो हम लोग कोई परीक्षा देते हैं तो उसमें जो प्रतिशत निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो यहाँ ऊपर लिखते हैं प्रातांक, ऊपर लिखा जाता है प्रातांक को, नीचे लिखा जाता है पूर्णांक को गुणे 100 लिख देते हैं, प्रातांक बटे पूर्णांक गुणे 100, वही काम आपको यहाँ भी करना है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कुल तीव्रता, तो कुल तीव्रता आई नाट है, ये कुल तीव्रता आ रही है, और ये घटी हुई यानी प्रातांक, प्रातांक जिसको आप कहते हैं, तो यहाँ निर्गत तीव्रता है, तो इसको हम लिख सकते हैं आई अपान आई नॉट और इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3/4। अब प्रतिशत में आप बदल दीजिए, तो
प्रतिशत में बदलना बड़ा ही आसान है, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, हंड्रेड से गुणा करना पड़ेगा। तो आई अपान आई नाट और इंटू हंड्रेड इधर भी, और 3/4 और गुणे हंड्रेड इधर भी। तो आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आ जा रहा है। तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 4 1 4, 4 2 8,